हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग बाय वीडियो यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम देखेंगे कि कैलकुलेट ऑफ वेट ऑफ स्टील बार, मतलब किसी भी स्टील बार्स का अपन वेट 12 mm हो, 16 mm हो, उसका वेट निकाल के देखेंगे, कैलकुलेट करके उसका फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, उसको कैसे ड्राइव किया गया है फॉर्मूला को उसको देखेंगे। तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला क्या देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है वेट ऑफ स्टील बार का, W इक्वल टू डी स्क्वायर अपन 162 इंटू एल। इसमें W क्या होता है वेट ऑफ स्टील बार, ठीक है, और D क्या होता है डायमीटर ऑफ बार्स इन mm, ठीक, ये डायमीटर ऑफ बार्स इन mm होता है, ये आपका D हो गया, ठीक है, और ये लेंथ क्या हो जाए, L क्या होता है लेंथ ऑफ बार इन मीटर, ठीक, ये आपका L होता है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द वेट ऑफ 60 मीटर लॉन्ग 12 mm फाइव बार, मतलब 60 मीटर लेंथ है आपके बार का और उसका डायमीटर है 12 mm, तो आपको बताना है कि इसका वेट क्या होगा। तो डायमीटर आपका हो गया 12 mm, ठीक, क्वेश्चन में दिया हुआ, ये लेंथ हो गया आपका 60 मीटर, तो आपको इसका वेट निकालना है। तो आपको वेट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है डी स्क्वायर अपन 162 इन 12, तो इसमें आपको डी का वैल्यू पता है 12 स्क्वायर 162 इंटू 60 कर देंगे, इसका लेंथ क्या हुआ है आपका 60, तो इसका 60 कर देंगे तो इसका वेट क्या आ जाएगा W इक्वल टू 53 kg, ठीक है, तो ये आपका 53 kg इसका 12 mm और 60 मीटर लॉन्ग रॉड का आपका वेट हो जाएगा 53 kg, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट देख लेते हैं, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें पूछा है, कैलकुलेट द वेट ऑफ 100 मीटर लॉन्ग 16 mm फाइव बार, मतलब ये 100 मीटर आपका बार है जो सरिया है आपका 100 मीटर लॉन्ग है और उसका डायमीटर क्या है 16 mm, तो आपको ये बताना है कैलकुलेट करके कि इसका आपका वेट क्या होगा। तो सबसे पहले जो दिया है ज्यूम है ना, जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, डायमीटर दिया हुआ है 60 mm, लेंथ दिया 100 मीटर, ठीक है, तो वेट क्या हो जाएगा, वेट का फॉर्मूला क्या है डी स्क्वायर अपन 162 इंटू एल, तो W क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर अपन 162 इंटू 100, ठीक है, जो वैल्यू दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 150 kg, ठीक है, सिंपल है, डायरेक्ट अपने को फॉर्मूला लगाना है D स्क्वायर अपन 162 इंटू L, ये आपका वेट का फॉर्मूला होता है, स्टील बार का वेट निकालने का फॉर्मूला है, इसको आपको याद कर लेना है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं एग्जाम में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कैलकुलेट द वेट ऑफ 70 मीटर लॉन्ग 60 mm फाइव बार, मतलब ये आपका जो सरिया है एक सरिया, ठीक है, एक सरिया का है ये, एक सरिया में आपका जो लेंथ है वो 70 मीटर हो गया, ठीक है, और उसका डायमीटर है 16 mm, ठीक, तो इसका जैसे आप फॉर्मूला में रखेंगे तो ये वेट डायमीटर हो गया 60 mm और आपका ये लेंथ हो गया आपका 70 मीटर, ठीक, तो आप इसको जैसे वैल्यू रखेंगे डी स्क्वायर अपन 162 इंटू एल, ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 110 kg आ गया आपका, ठीक है, तो ये आपका 60 mm डाया और 70 मीटर रॉड का अगर वेट बोलेंगे तो अपन क्या रहेगा 110 kg, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछेगा, है ना, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछेगा या फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है डी स्क्वायर अप 162 इंटू एल, ठीक है, ये फॉर्मूला याद है तो आप फिर इस पैटर्न के इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, ठीक। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।